एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से लिया गया है, इस प्रकार है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, यानी कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो पहला है 7, 13, 19 और लास्ट टर्म है इसकी 205, यानी कि 205। तो फर्स्ट टर्म ए जो है वो है 7, यानी कि प्रथम पद 7 है। डी कॉमन डिफरेंस जो है सार्वंतर वो 6 हुआ, 13 में से 7 गए 6। और एनवा पद जो है, जो अंतिम पद भी है, वो एल जो है वो कितना है, 205। तो एल का या ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। तो यहाँ पर एल जो है वो 205 यानी कि 205 है, और ए 7 है, और डी जो है वो हमारा 6 है। तो इधर हमने ये लिखा, तो अब 7 को जो है बाईं तरफ 205 की तरफ ले जाएंगे तो माइनस के साथ हो जाएंगे, और एन माइनस 1 से पहले हम 6 लिख देंगे। तो अब देखिए ये हो गया 198, और दूसरी तरफ हो गया 6 गुणा में n माइनस 1, तो n माइनस 1 हुआ 198 अपॉन में 6, तो 6 से इसको काटेंगे तो 33 आएगा। इस तरह से n जो है 33 प्लस 1 यानी कि 33 जमा 1 34, यही हमारा आंसर है, यानी कि 34वां पद 204 है, 205 है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड वाले में ए जो है वो 18 है, और डी जो है 15.5 में से 18 घटाएंगे तो हमारे पास 2.5 आते हैं। तो यहाँ देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 31 अपॉन में 2, और 2 एल से हम लेंगे 31, और 18 इंटू 2 36 हो जाएगा, जो कि माइनस के 5/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब डी जो है वो ऋणात्मक है, क्योंकि श्रेणी जो है घट रही है, घटती हुई श्रेणी में डिक्रीजिंग सीरीज में नेगेटिव आता है। यहाँ ए एन या एल जो है वो माइनस के 47 है, तो ए एन का या नेथ टर्म का जो फार्मूला होता है वो ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी है। तो ए एन जो है वो माइनस के 47 यानी कि माइनस 47 दिया हुआ है, ए 18 दिया हुआ है, और डी जो है हमने निकाला वो माइनस के 5/2 है। अब 18 को दाई तरफ से बाई तरफ ले जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 47 माइनस 18 और माइनस 5/2 को आगे ले आएंगे तो माइनस 5/2 इंटू में एन माइनस 1। तो देखिए 18 और 47 दोनों सेम साइन के, इसलिए जुड़ जाएंगे, और जुड़ के ये हो जाएंगे माइनस के 65 यानी के माइनस के 65। और दूसरी तरफ जैसा है वैसे लिख दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 5 से 65 को काटेंगे तो 13 बार जाएगा। तो इस तरह से 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 1 26 यानी कि 26 हो जाएगा। इस तरह से n आया 27। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल द मैथ्स गुरुदेव को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।